नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी का वर्चुअली एजेंडा, वाहन स्क्रैपिंग समिट को संबोधन। समिट को का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे को स्थापित कर निवेशकों को आमंत्रित करने की कोशिश होगी ताकि प्रदूषण और लोगों पर बोझ की भी कम हो सके। बता दें, सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार ने किया है और इसमें निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल हैं। सरकार संसद में स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा पहले ही कर चुकी है और ऐसे में मौजूदा समिट उस दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। 15 और 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ कर दिया जाएगा। ऐसे में कमर्शियल गाड़ी के लिए 15 और निजी गाड़ी के लिए 20 साल का समय तय किया गया है और तय समय बाद वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा और ऐसे में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी और इन्हीं निवेशकों को लुभाना इस समिट का एक बड़ा एजेंडा भी है। इस स्क्रैप पॉलिसी से वाहन मालिकों का आर्थिक नुकसान कम होगा और इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाएं कम भी होंगी, साथ ही जीवन सुरक्षित होगा। नए वाहनों में ज्यादा सुरक्षा मानकों का पालन होगा, पुराने वाहनों के स्क्रैप से प्रदूषण भी कम होगा। बजट में भी वित्त मंत्री नई स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं, साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो बता दें, आपसे कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है। हालांकि 11 बजे ये संबोधन शुरू होना है, तो यानी कुछ ही मिनट बाद पीएम मोदी का यह संबोधन शुरू हो जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात से हमारे संवाददाता प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, क्या कुछ अपडेट है? पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट को आज संबोधित करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? तो बता दें, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर पीएम का ये संबोधन और कुछ ही मिनट बाद पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधन से जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे। बता दें कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में मॉनसून सत्र के दौरान भी संसद में जानकारी दी गई थी और ऐसे में मौजूदा समिट उस दिशा में ये पहला कदम माना जा रहा है जब 15 और 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ कर दिया जाएगा। और साथ ही बता दें, कमर्शियल गाड़ी के लिए 15 और निजी गाड़ी के लिए 20 साल का समय तय किया गया है। साथ ही तय समय बाद वाहनों को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाया जाना होगा। साथ ही बता दें, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी और इन्हीं निवेशकों को लुभाना इस समिट का एक बड़ा एजेंडा भी माना जा रहा है। साथ ही स्क्रैप पॉलिसी से वाहन मालिकों का आर्थिक नुकसान भी कम होगा और इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी और साथ ही बता दें, जीवन भी लोगों का सुरक्षित होगा। वहीं नए वाहनों में ज्यादा सुरक्षा मानकों का पालन होगा और पुराने वाहनों के स्क्रैप से प्रदूषण भी कम होगा। वहीं बजट में बता दें, वित्त मंत्री नई स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र भी कर चुकी है, साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी लक्ष्य रखा है। तो बता दें, अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में ये वर्चुअल समिट करने वाले हैं और वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में जुड़ेंगे और अपना संबोधन करेंगे। तो बता दें, पीएम मोदी का इन्वेस्टर के नाम संबोधन है और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर पीएम का मंथन चल रहा है, इसीलिए ये काफी बड़ा भी माना जा रहा है और इससे स्क्रैप पॉलिसी से वाहन मालिकों का आर्थिक नुकसान भी कम होगा। जिस पॉलिसी के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन में बताएंगे, साथ ही इसके बता दें, सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी और जीवन भी सुरक्षित लोगों का होगा। नए वाहनों में ज्यादा सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा और ऐसे में पुराने वाहनों के स्क्रैप से प्रदूषण भी कम होगा। वहीं बता दें, बजट सत्र के दौरान भी वित्त मंत्री नई स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी है और ऐसे में वायु प्रदूषण को भी कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो चलिए, एक बार फिर से हमारे संवाददाता गुजरात से प्रणव सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं। प्रणव, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी प्रणव, आज पीएम मोदी का आपसे कुछ ही देर बाद ये संबोधन शुरू होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? जी अपडेट यह है कि पीएम मोदी आज जो वर्चुअल एजेंडा वन ट्रैकिंग समिट का संबोधन करेंगे। जी का जो मुख्य उद्देश्य है ना, बुनियादी ढांचे को स्थापित करके विदेशों को आमंत्रित करने का है। जी प्रदूषण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं और इस प्रकार से जो केंद्रीय वाहन परिवार और गुजरात सरकार की ओर से पूरा जो जी वर्चुअल है वो पूरा किया जाएगा गुजरात और केंद्रीय सरकार की ओर से। जी चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पीएम मोदी का ये इन्वेस्टर समिट में संबोधन है और व्हीकल पॉलिसी पर, स्क्रैपिंग पॉलिसी पर पीएम का मंथन चल रहा है और इसी में ये संबोधन काफी अहम भी माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार जारी है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से उनका हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में काम करने के निर्देश भी दिए, साथ ही यूपी में बाढ़ से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बता दें बाढ़ संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित इलाकों का हवाई और जमीनी सर्वे गुरुवार को किया और वाराणसी में बाढ़ की वजह से त्रासदी जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में सीएम योगी अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे और सीएम ने गंगा और वर्णा नदी में आई भीषण बाढ़ का जायजा भी लिया, साथ ही प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए सीएम एनडीआरएफ की बोट पर भी सवार हुए और स्थिति भी का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से फीडबैक भी लिया और बाढ़ के दौरान संक्रमण न फैल पाए इसे लेकर उन्होंने मशीनों का वितरण भी कराया और अधिकारियों को बाढ़ के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें सीएम योगी ने बाढ़ के अलावा विकास पर भी समीक्षा बैठक की है, साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करके विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया। बता दें टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के मुख्य सदस्य और काशीवासी ललित उपाध्याय से भी उन्होंने मुलाकात की और ऐसे में सीएम योगी ने राजघाट से एनडीआरएफ के मोटर बोट से पुराने पुल तक का दौरा किया। उन्होंने गंगा वर्णा के बढ़े जलस्तर पर चिंता जाहिर की और ऐसे में सीएम ने राहत शिविरों का भी दौरा किया है। सीएम ने आश्वासन दिया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार जनता के साथ खड़ी हुई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रूबी सिद्दीकी जुड़ चुकी हैं। रूबी, क्या कुछ अपडेट है, सीएम योगी ने किन किन इलाकों का दौरा किया है? क्योंकि पिछले बीते दिनों से यूपी से ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसी भयावह तस्वीरें आ रही थी कि बाढ़ से काफी बुरी तरह कई इलाके प्रभावित हैं, किन किन इलाकों का सीएम योगी ने दौरा किया है? जहाँ पे उनको सूचनाएं मिले वो खुद दौरा कर रहे हैं, वो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जी कि विपक्षी उनके ऊपर हमला बोल सके, क्योंकि 16 अगस्त से मानसून सत्र भी स्टार्ट होने वाला है और इसके साथ ही साथ इन्होंने कई क्षेत्रों को एक लिस्ट तैयार कर ली कि जहाँ पे बाढ़ ग्रस्त जो लोगों की जरूरत हो रही है उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाए। डीएम के साथ वो खुद मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश भी दे रखा है कि अगर कहीं पे कोई जरूरत की जरूरत सामान पड़ रहे हैं वहाँ भी आप तुरंत उस जगह पे खुद पहुंचे और अपने क्षेत्र को जो निगरानी है वो लगातार करते रहें। जी रूबी, आज और कुछ क्या कार्यक्रम है सीएम योगी का, क्या इसके बाद भी वो कई इलाकों का और दौरा करने वाले हैं? पर जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि लगातार मुख्यमंत्री है वो दौरे पे रहेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या बाढ़ जिस जिस जगहों पे आया हुआ है उन जगहों पे वो खुद जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ जगहों की सूचना ये भी मिल रही है कि बनारस के भी एक चक्कर काट सकते हैं, लेकिन जो जहां पे नुकसान ज्यादा पाए गए हैं वहां पे वो खुद निगरानी करना चाहते हैं, वो ये मौका नहीं देना चाहते कि हम कहीं से भी छुप पाए या हमारी सरकार पे कहीं से भी उंगली उठ पाए कि सरकार होने के बाद भी
जो बाढ़ ग्रस्त लोग हैं उनको भी फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, और डीएम हो या वहाँ के जो निचले अधिकारी होते हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग भी कर रहे हैं ताकि जो निगरानी है वो लगातार उनके आंखों के सामने बने रहे। जी रूबी, अगर वाराणसी की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, वहाँ हालात अभी कैसे हैं? क्योंकि बीते कई दिनों से सबसे ज्यादा हालात प्रयागराज और वाराणसी के ही खराब थे, लगातार वहाँ पर नदियां उफान पर थी और सबसे ज्यादा इलाके इन्हीं दोनों जिलों के प्रभावित हो रहे थे बाढ़ की वजह से। जी बिल्कुल, अभी वहाँ के जो हालात है, जल स्तर हो या जल स्तर हो दोनों ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि अभी हम पूरी तरीके से जो सेफ साइड होता है वो महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका दावा यही है कि लगातार काम चल रहा है, पानी स्तर पर नजर बनाए रखे हुए हैं और उन इलाकों का खास तौर से हम नजरबंद कर रहे हैं जहाँ पे संभावनाएं ज्यादा आ सकती है या बढ़ सकती है। तो ऐसे में प्रयागराज हो या फिर बनारस हो, ऐसे में दो मेन जगह मानी जा रही है जहाँ पे अधिकारियों को खास निर्देश दिया गया है कि आप चुस्त और दुरुस्त के साथ निगरानी बना के रखें, कहीं से भी हताहत या कहीं से कोई सूचना आती है आप मौके पर पहुंचे और जरूरत की जो भी सामान की जरूरत पड़ रही है, खाने पीने की पड़ रही है या फिर आपको रेस्क्यू करने की पड़ रही है, तो वो भी आप उसके लिए तैयार रहें। बिल्कुल रूबी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम योगी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी वो जब कोविड के को लेकर स्थिति जब यूपी में काफी ज्यादा खराब हो गई थी तब भी वो ग्राउंड जीरो पर उतरे थे और उन्होंने खुद स्थिति का जायजा लिया था, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को एक करारा जवाब है, क्योंकि लगातार विपक्ष योगी सरकार हो या केंद्र सरकार हो लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है। ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं और कोरोना के समय में भी उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर दौरा किया था, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को एक करारा जवाब है। निश्चित तौर पर लगातार उनके ऊपर सवाल उठते रहे कि मुख्यमंत्री ने कुछ काम नहीं किया, पुराने ही योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास कर डाला और ऐसे में उनके ही काल में कोरोना काल भी आया, या ये भी कह सकते हैं बाढ़ की जो स्थिति है वो इनके ही सरकार में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है। और अब आने वाला टाइम जो है वो है मानसून सत्र, सवाल कई उठेंगे, विपक्ष कहीं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेगा उनके ऊपर सवाल घेरने में, तो मंत्री जो है वो कमान अपने हाथ में ले रखे, या ये भी कह सकते हैं वो अधिकारियों पे इतना भरोसा नहीं है, वो खुद मैदान में उतर चुके हैं, उनको ये कहना है कि मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ तस्वीरें क्या है, क्या बताया जाता है, क्योंकि अधिकारियों को बताने में और खुद जमीन को उतर के देखने में फर्क होता है, तो विपक्षियों को मौका ना मिले इसलिए मुख्यमंत्री खुद कमान अपने हाथ में ले रखे हुए हैं कि अगर हम जमीनी स्तर पर रहेंगे तो जो हालात है बद से बदतर है उसको हम सुधारेंगे, ताकि विपक्ष जो है उसे घेर ना सके। जी चलिए रूबी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से यूपी में सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार जिन इलाकों जो इलाके सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए थे उन इलाकों का खुद योगी आदित्यनाथ जाकर दौरा कर रहे हैं, साथ ही वहां पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और ऐसे में काफी एक्शन मोड में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कोरोना को लेकर जब यूपी में हालात बेकाबू हो गए थे उस दौरान भी सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर नजर आए थे, यानी यह कहना गलत नहीं होगा यूपी में अगर स्थिति किसी भी चीज को लेकर खराब होती है या बेहद खराब होती जाती है तो सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर अधिकारियों से जानकारी लेते हैं, जायजा लेते हैं, साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। तो बता दें यूपी में एक बार फिर से सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, हालांकि बीते कई दिनों से यूपी के कई जिले पूरी तरह से बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित थे और लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए ऐसे में सीएम योगी ने खुद चार्ज लेते हुए उन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, जायजा लिया है, हालांकि एनडीआरएफ की बोट पर भी वो सवार होते हुए नजर आए और खुद इलाकों का जाकर जायजा उन्होंने लिया। हरदोई के संडीला इलाके में एनसीबी ने संडीला पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर तस्करी कर ले जा
जा रही लगभग 1 करोड़ की अफीम बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से टीम ने एक नई कार भी बरामद की है और ये तीनों झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अफीम की ये तीनों तस्करी करते थे। एनसीबी ने संडीला पुलिस के साथ मिलकर लखनऊ हरदोई मार्ग पर संडीला इलाके से कार को रोका और कार में 3 लोग सवार थे। साथ ही टीम ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें से करीब 4 किलो 600 ग्राम वजन अफीम एक डिब्बे में बंद पाई गई। बताया जाता है कि यह बरामदगी मुखबिर की सूचना पर करने में टीम ने सफलता पाई है। साथ ही संयुक्त टीम ने तीनों से कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग उसको तस्करी कर ले जा रहे थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस अफीम को बरेली से ले जाया जा रहा था। जिस कार से ये लोग जा रहे थे उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था और कार को टीम ने कब्जे में ले लिया है और सभी को गिरफ्तार कर लिखा पढ़ी का काम भी शुरू कर दिया है और उसके बाद न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने इन तीनों को ही पेश किया जाएगा जहां से तीनों को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं बरामद की गई अफीम अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग बता दें 90 लाख से ज्यादा बताई जा रही है और बरामदगी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हरदोई से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ अपडेट है? एनसीबी को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की गई है। टीम बनाकर तस्करी ले जा रहे लगभग 92 लाख की अफीम बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टीम ने एक नई कार भी बरामद की है जो कि तीनों ये झारखंड के रहने वाले हैं और अफीम की तस्करी करते थे। जी आसिफ, क्या पुलिस को पहले से ही इस बात की जानकारी थी या फिर चेकिंग के दौरान ही इनकी चेकिंग की गई तभी ये अफीम बरामद हुई है, या मुखबिर की सूचना मिली हुई थी पहले से, या फिर इन पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी जिससे इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके इनके पास से अफीम करीब 4 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की गई है और इनको न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया गया है। जी आसिफ, ये लोग कब से हरदोई में रह रहे थे? बताया जा रहा है कि ये झारखंड के रहने वाले हैं, जैसी जानकारी आपने भी दी है, तीनों ही युवक जो हैं ये झारखंड के हैं, लेकिन हरदोई में कब से ये लोग रह रहे थे? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये हरदोई में आते जाते थे, ये काफी टाइम से रह रहे थे, जो कि मुकदमे भी इनके झारखंड और अन्य जगहों पे लिखे हुए हैं, जो कि कल इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जी आसिफ, और क्या कुछ अपडेट है इनके बारे में? क्या इन पर पहले भी कोई मुकदमे दर्ज हैं या पुलिस ने अभी ये पहला मामला है जो इन पर दर्ज किया गया है? जी, हरदोई में ये पहला मामला है, बाकी अन्य जिलों में इन पे काफी मुकदमे दर्ज हैं। जी चलिए आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें पुलिस के हाथ और एनसीबी के हाथ बड़ी सफलता लगी है और 1 करोड़ की अफीम एनसीबी ने पकड़ी है और साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों ही तस्कर बताए जा रहे हैं कि झारखंड के रहने वाले थे और हरदोई से ये लोग झारखंड अफीम की तस्करी कर ले जा रहे थे और काफी भारी मात्रा में अफीम इनसे बरामद की गई है और जिसकी लगभग कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। तो बता दें एनसीबी के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, 1 करोड़ के करीब की यह अफीम पकड़ी है, साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जिन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं बता दें पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन तीनों ही अभियुक्तों को पकड़ा है और गाड़ी में मौजूद एक डिब्बे को जब उसकी तलाशी ली गई डिब्बे की तो उसमें भारी मात्रा में अफीम पकड़ी गई जिसकी लगभग कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस आने में सिर्फ महज 2 दिन ही बचे हैं और ऐसे में दिल्ली में इससे पहले चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले आज राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और ऐसे में दिल्ली के कई इलाके आज पूरी तरह से बंद रहे और कई जगह पर ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक लाल किला वाला एरिया सुबह 4 बजे से 10 बजे तक पूरी तरह से बंद रहा और ऐसा ही 15 अगस्त के दिन भी होगा। इसके अलावा नेताजी सुभाष मार्ग, लोधियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और रिंग रोड, राजघाट, आउटर रिंग रोड, आईपी फ्लाईओवर भी आम लोगों के लिए सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बंद रहा है।
तो बता दें ऐसे में 15 अगस्त में महज 2 दिन बचे हैं और आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया जिसको लेकर कई रूट्स डाइवर्ट किए गए थे सुबह 4 बजे से और सुबह 10 बजे तक कई मार्गों को बंद भी किया गया था। हालांकि कई मेट्रो स्टेशंस भी इस दौरान बंद रहे थे और साथ ही साथ कई रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया था जिससे दिल्ली में जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक कई रूट्स को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था, लोगों को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन फिर भी रूट डाइवर्ट होने की वजह से कई इलाकों में भारी जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो बता दें आपको आज से फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो गई है और इसी को लेकर कई रास्ते आज बंद रहे और कल से 32 घंटे तक कई मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग भी पूरी तरह से बंद रहेगी, यानी कि मेट्रो स्टेशंस पर पार्किंग ना कोई कर सकेगा और वहां पर पार्क किए गए पहले से वाहनों को भी इन 32 घंटों के दौरान कोई बाहर नहीं ले जा सकेगा। तो फुल ड्रेस रिहर्सल आज से 15 अगस्त को लेकर शुरू हो गया है, तो ऐसे में कई रूट्स को दिल्ली में डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि कई मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग भी बंद कर दी गई है, 32 घंटे के लिए पार्किंग बंद की गई है और आज से बता दें सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक कई रूट्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया था। पुलिस के ने एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी जिसमें बताया गया था किन किन रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में और ये बता दें आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ही सुबह रूट्स डाइवर्ट किए गए थे जिसकी वजह से दिल्ली में कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और सुबह ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि 10 बजे तक का समय था, वो समय सबसे पीक आवर होता है जब लोग अपने अपने घरों से ऑफिस की तरफ जाते हैं, तो इस वजह से कई जगह जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो बता दें आपको 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जो हैं वो काफी जोरों पर चल रही हैं, इसी को लेकर ड्रेस रिहर्सल आज से शुरू हो गया है और इसको लेकर कई रूट्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कई रूट्स बंद कर दिए गए थे। हालांकि दिल्ली में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऐसे में दिल्ली में हर आने जाने वाले की काफी चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स इस समय दिल्ली में तैनात है और कई रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और साथ ही ड्रेस रिहर्सल भी आज से शुरू हो गई है। तो इसको लेकर भी बता दें आपको कि कई रूट्स को डाइवर्ट कर दिया था और इससे पहले साथ ही बता दें आज सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक ये रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता काजोल नारायण जुड़ चुकी हैं। काजोल, किन किन रूट्स को डाइवर्ट किया गया और कहां कहां जाम जैसी स्थिति पैदा हुई है? ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कई बार हर साल रूट डाइवर्ट किए जाते हैं और वानगी आज देखने को मिली है। बाकी मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए थे। उससे पहले ये बता दूं कि इस वक्त अगर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो पूरी तरह से वो छावनी में तब्दील है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि 26 जनवरी को जो हाल हुआ था वो 15 अगस्त को, क्योंकि 26 जनवरी को हमने देखा था कि किसानों ने आंदोलन शुरू किया हुआ था लेकिन इसी आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने कितना बवाल काटा था। तो 15 अगस्त को ऐसी स्थिति ना हो उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चौकस की हुई है। बाकी पारुल, अगर रूट डाइवर्ट्स की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कई रूट डाइवर्ट्स किए गए हैं। हालांकि अब राहत मिली है लोगों को जाम से, लेकिन सुबह से ही काफी ज्यादा लोग परेशान नजर आ रहे थे। अगर बात की जाए तो कौन कौन से मार्ग बंद रहेंगे तो नेताजी सुभाष पार्क दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक बंद रहेगा, लुधियाना रोड गोल डाक खाने से छत्ता रेल चौक तक बंद रहेगा, एसपी मुखर्जी मार्ग एससी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक बंद रहेगा, चांदनी चौक क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वो जो रोड है वो फवारा चौक से लाल किले तक बंद रहेगा, निषाद राजमार्ग रिंग रोड वो बंद रहेगा नेताजी सुभाष मार्ग तक, एस्प्लॉड रोड लिंक रोड जो कि नेताजी सुभाष चंद तक जाता है वो मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा, रिंग रोड राजघाट से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक बंद रहेगा क्योंकि ये संवेदनशील इलाके हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़भाड़ रहती है। इसके अलावा अगर बात की जाए
कौन कौन रास्ते का डायवर्जन रहेगा पारुल, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक वाहन चालक उत्तर से दिल्ली दक्षिणी जाने के लिए अरबिंदो मार्ग, सफदर्जन रोड, मदर टेरेसा क्रीसेंट पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पचकुइया रोड, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड पर यातायात को डाइवर्ट किया गया था सुबह से ही। और कनॉट प्लेस जाने के लिए, मिंटो रोड जाने के लिए लोगों को कई बार रूट बदलने पड़े। उसकी जगह निजामुद्दीन पुल जाने के लिए पुश्ता रोड, जीटी रोड, यूस्टर सेतु और आईएसबीटी होकर जाना पड़ा था। तो ऐसे में सुबह से ही जो लोग ऑफिस बिल्कुल काजोल, ये तमाम रूट तो वो गए जो आपने बताए थे जो काफी ज्यादा डाइवर्ट किए गए थे। लेकिन आप खुद दिल्ली से आती हैं और आप भी ऐसे समय पर आई हैं जब जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, तस्वीर कैसी थी, कितना ज्यादा जाम था, लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही थी? देखिए पारुल, अगर परेशानी की बात की जाए तो परेशानी तो खूब हुई है, लेकिन 15 अगस्त का मौका है, लोगों में 75वीं वर्षगांठ को लेकर बहुत उत्साह है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर देखिए, अगर बात की जाए, मैं नोएडा आती हूँ दिल्ली से, और अगर कालिंदी कुंज की बात की जाए, क्योंकि मैं कालिंदी कुंज रास्ते से आती हूँ, वहाँ पर चौकसी बहुत ज़्यादा है। महामाया फ्लाईओवर जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है गाड़ियों से और दोनों तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। यमुना पूरी तरह से ब्लॉक नजर आ रहा है जब आप यमुना क्रॉस करते हैं, तो चेकिंग बहुत ज़्यादा है, चौकसी बहुत ज़्यादा है और सुरक्षा के मद्देनजर किया हुआ है। हालांकि लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन पारुल देश की सुरक्षा का सवाल है और 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, तो इतना शायद हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी समझना होगा। परेशानियां तो हो रही हैं लेकिन ये जरूरी है। बिल्कुल काजोल, जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया कि सुरक्षा बहुत ज्यादा चप्पे चप्पे पर है, क्योंकि किसान आंदोलन को, क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था वो एक बार फिर से ना दोहराया जाए, इसको लेकर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं? बिल्कुल, अगर पारुल किसान आंदोलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लाल किले को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, या फिर ये कहें कि ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया ना लाल किले के आसपास कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता और कोई उसे भेद नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी बात है और दिल्ली पुलिस पिछले एक महीने से इसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि 26 जनवरी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि चौकसी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ द्रवी पहुंचे ट्रैक्टर लेकर, वहां पर हिंसक प्रदर्शन किया, लाल किले की प्राचीर तक लोग पहुंच गए थे जो थे। इस बार ऐसा नहीं हो सकता, पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जितने भी आसपास वाले इलाके हैं लाल किले के, उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, रूट आज से ही डाइवर्ट हो चुके हैं। 3 दिन तक खासा परेशानी रहेगी, हालांकि 15 अगस्त के दिन तो सभी की छुट्टियां होती है, तो ऐसे में उस दिन तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रविवार भी है, लेकिन कल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों से कि जब भी आप ऑफिस टाइम पे निकले तो 1-2 घंटा पहले निकले, ताकि आप समय से ऑफिस पहुंच पाए। पारुल बिल्कुल, चलिए काजोल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें एक बार, 15 अगस्त में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ऐसे में ड्रेस रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है, और इसीलिए आज बता दें कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया था। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई रूट्स बंद थे, हालांकि लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी लोग समय से अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुके थे। और बता दें आपको, जिन रूट्स को डाइवर्ट किया गया है उसमें सुभाष मार्ग, लोधियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक समेत ये कई रूट्स थे जिनको डाइवर्ट किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसको लेकर पहले ही एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कई मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग भी बंद कर दी गई है। 32 घंटे तक कई मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग बंद रहेगी, और साथ ही 15 अगस्त को लेकर तैयारियां देश में बहुत जोरों पर चल रही हैं, और इसीलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।